चंद्रयान 2 को लेकर एक के बाद एक कई अहम खुलासे हो रहे हैं। हम आपको इसके बारे में एकदम सही और पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कल एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई थी जब इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ ही लैंडर को खोज निकाला था। अनुमान लगाया जा रहा था कि लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की होगी, पर हमें अब तक यह नहीं पता था कि अगर क्रैश लैंडिंग हुई है तो विक्रम किस प्रकार नीचे गिरा होगा, इसे कितना नुकसान हुआ होगा, क्या लैंडर के अंदर रोवर सेफ होगा और क्या लैंडर से दोबारा संपर्क हो पाएगा। आज इन सब विषयों पर इसरो की रिपोर्ट आई है जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 7 सितंबर की रात 1:55 पर लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था, पर लैंडिंग के दौरान महज 2.1 किलोमीटर पर ही इससे संपर्क टूट गया था। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसरो के वैज्ञानिक दिन रात एक करके इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और डाटा का विश्लेषण कर रहे थे ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर विक्रम के साथ क्या हुआ होगा और वह अपना मिशन पूरा कर पाएगा या नहीं। कड़ी मेहनत के बाद कल दोपहर यानी 8 सितंबर को इसरो ने अपने ऑर्बिटर में लगे थर्मल इमेजिंग कैमरे की मदद से विक्रम लैंडर को खोज निकाला। जब डाटा और इमेज का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि लैंडर सिर के बल पड़ा मिला। विक्रम लैंडर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह से 500 मीटर दूर पाया गया। क्रैश लैंडिंग की वजह आई सामने। पहले माना जा रहा था कि विक्रम की रफ्तार बहुत अधिक थी और उसे रोकने के लिए सही ढंग से ब्रेक नहीं लग पाया था, पर अब इसका कारण ज्यादा तेज ब्रेक लगाना ही बताया जा रहा है। लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग का सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया था, इसे रफ ब्रेकिंग फेज कहते हैं। इस चरण में विक्रम लैंडर की गति को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 146 मीटर प्रति सेकंड पर लाया गया था। उसके बाद महज 5 किलोमीटर का फाइनल ब्रेकिंग फेज रह गया था और इस दौरान हम संपर्क खो बैठे। रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान विक्रम के पैर हॉरिजॉन्टल अवस्था में थे। फाइनल ब्रेकिंग फेज से पहले पैरों को 90 डिग्री मोड़कर वर्टिकल अवस्था में करना था, जिसके बाद लैंडर को सीधा चांद की सतह पर उतारना था और इस दौरान ज्यादा तेज ब्रेक लगने से लैंडर पलट गया और नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगा। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम बहुत तेज गाड़ी में एकदम से तेज ब्रेक लगा दे तो गाड़ी पलट जाती है, ठीक उसी प्रकार विक्रम के साथ हुआ। हार्ड लैंडिंग की वजह से विक्रम को काफी नुकसान की संभावना है। एक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि गति को कम करने के लिए विपरीत दिशा में दबाव ना बने तो लैंडर बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा और ऐसी स्थिति में नुकसान होना लाजमी है। हालांकि अभी नुकसान की सही जानकारी नहीं मिल पाई है। इसरो के वैज्ञानिक डाटा का विश्लेषण करने और लैंडर की स्पष्ट इमेज लेकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। इसरो के वैज्ञानिकों के पास केवल 12 दिन का ही समय बचा है। अगर वो इस दौरान लैंडर से संपर्क बना पाते हैं तो यह लैंडर और रोवर अपना मिशन पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी 14 दिन ही इस हिस्से पर पहुंचती है और सूर्य की रोशनी को लेकर ही सोलर पैनल के जरिए ऊर्जा लेकर लैंडर काम करना शुरू करेगा, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और अपना मिशन पूरा करेगा। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे संभावनाएं भी कम होती जा रही है। विक्रम लैंडर से संपर्क ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लैंडर को जिस जगह पर उतरना था यह उस जगह से 500 मीटर दूर उतरा है। जिस जगह लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी उस जगह को इसरो ने चुना था और वह लैंडिंग के अनुकूल भी थी, पर लैंडर कहीं और ही उतरा और वह जगह काफी उबड़ खाबड़ है जिसकी वजह से सिग्नल पहुंचने में रुकावट हो रही होगी और लैंडर के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा होगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि लैंडर दो तरफ से संचार कर सकता है, लेकिन हम एक तरफा संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संचार 5-10 मिनट से अधिक के लिए नहीं होगा। यह एक मुश्किल स्थिति है,
पर हमारे वैज्ञानिक इसका हल निकालने में भी सक्षम हैं। क्या होगा अगर लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया तो? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे लिए खुशी की बात यह है कि जो ऑर्बिटर एक साल के लिए भेजा गया था उसमें इतना ईंधन बच गया है कि वह 7 साल से भी ज़्यादा समय तक काम करता रहेगा और चंद्रमा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी देता रहेगा। चंद्रयान 1 मिशन में हमने सिर्फ ऑर्बिटर को ही भेजा था और इस ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके तहलका मचा दिया था, पर चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर उससे भी ज़्यादा एडवांस है। लैंडर और रोवर एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जिसके जरिए हमें सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करना था और यह दिखाना था कि हम भी पृथ्वी से किसी ग्रह या उपग्रह पर रोवर को संचालित कर सकते हैं। हमने इस मिशन के 95% से ज़्यादा लक्ष्य को हासिल कर लिया है। पूरी दुनिया इसरो के इस प्रयास की सराहना कर रही है जिसमें नासा भी एक है। यह समय इसरो का हौसला बढ़ाने का है। कोई भी नकारात्मक बातें करके देश में नेगेटिव माहौल मत बनाएं। जिन लोगों को तकनीक की समझ है उन्हें पता होता है कि ऐसा कोई भी मिशन असफल नहीं होता। कुछ कमियां रह जाती हैं जिन्हें अगली बार सुधार लिया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए आप सब बहुत ही अच्छे कमेंट कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप इसी तरह हमारे देश और वैज्ञानिकों के लिए अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।